हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। सो मूविंग ऑन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअरी के बारे में कि व्हाट इज एक्चुअरी और बेसिक उसकी सर्विसेज क्या होती हैं और किस तरह से एक इंश्योरेंस को वो बनाता है और किस तरह से उसको बाकी जो उसके मेंबर्स हैं या जो पार्टीज वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, किस तरीके से सबको वो कॉन्टैक्ट करता है या फिर अपना मैसेज कन्वे करता है। सो टॉकिंग अबाउट एक्चुअरी, हमने कल डिस्कस किया था कि एक्चुअरी होता कौन है। बेसिकली ही इज़ द पर्सन जो कि एक एनालिस्ट की तरह काम करता है और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक एक्चुअरी ही डिफाइन करता है। ठीक। एंड ही यूजेस वेरियस टेक्निक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स हो सकती हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो सकती हैं वहाँ पे, जिनको वो यूज़ करके किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो है एक तरीके से यू कैन से फोरकास्टिंग करता है। और फोरकास्ट करने के बाद एक प्रेडिक्शन के तौर पे वो तय करता है कि कौन से इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा बेनिफिट होगा और इंश्योरेंस कंपनी भी वहाँ पे एक तरीके से बैलेंस्ड वे में काम करेगी उस एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। सो आई विल ट्राई टू रिवाइज द होल थिंग। एंड एक्चुअली इज़ द एक्सपर्ट हु अप्लाइज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्क रिलेटिंग टू द कंटिंजेंट इवेंट्स एंड फॉर साइंटिफिक वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड अदर बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अपनी पूरी नॉलेज को वो एक तरीके से मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल वे में अप्लाई करेगा। जैसे अगर आपने कभी सुना हो तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे देर इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, एक एजम्पशन लगाते हैं कि करेंट सिनेरियो के हिसाब से फ्यूचर में एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस अमाउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी बेसिकली। ठीक है, सो ये सब जितना भी एजम्पशन होता है ये किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल मेथड पे बेस्ड होता है। ठीक, या उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं या यू कैन टेक ओवर द प्रीवियस पास्ट ईयर ग्रोथ जो भी वहाँ पे हुई है। इसके अलावा कोई भी आप मैथमेटिकल टेक्निक लगा के वहाँ पे एक एजम्पशन लगाते हैं कि फ्यूचर टाइम पीरियड में इंश्योरेंस पॉलिसी का ग्रॉस अमाउंट कितना होने वाला है। ठीक, सो ये सब काम करता कौन है? इट इज़ हेल्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्चुअरी। एक्चुअरी एक ये काम करता है सारे के सारे। मूविंग ऑन नाउ, हु कैन बी द एक्चुअरी? एक्चुअरी बेसिकली कौन हो सकता है? सो एक्चुअरी मे बी अ इंश्योरेंस कंपनी, अ कंसल्टिंग फर्म या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फर्म्स। ठीक है, एक्चुअरी का रोल कोई भी इंसान प्ले कर सकता है, एक इंश्योरेंस कंपनी भी प्ले कर सकती है या इंश्योरेंस कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो भी प्ले कर सकती है। यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी फर्म है उसका भी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कंसल्टेंसी है जिसका मेन पर्पज़ है कि लोगों को एडवाइस करना इन द मैटर्स रिलेटिंग टू इंश्योरेंस, सो दैट कंसल्टेंसी फर्म विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्चुअरी। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए जो कि रिटायर हो चुके हैं या बेसिकली प्राइवेट एम्प्लॉई हैं जो कि अब जॉब छोड़ चुके हैं, बेसिकली दे आर रिटायर्ड या फिर किसी पर्पज़ की वजह से वो जॉब छोड़ा उन्होंने, सो दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्चुअरी। बस उनको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि एज एन एक्चुअरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक एक्चुअरी की, और उसके बाद से जितने भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स रिक्वायर्ड हैं, वो उनको पता होनी चाहिए ताकि वो सही प्रेडिक्शन लगा पाए किसी भी इंश्योरेंस अमाउंट का। नाउ नेचर ऑफ द जॉब, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉब? एक्चुअली का बेसिकली एक जॉब क्या होता है, क्या क्या उस जॉब में ऑब्लिगेशंस होती हैं वो यहाँ पे बात की गई है। द एक्चुअरी डिज़ाइंस इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान्स। किसी भी इंश्योरेंस और पेंशन प्लान का जो एक फ्रेमवर्क होता है वो एक एक्चुअरी ही डिज़ाइन करता है वहाँ पे। ठीक, मतलब फ्रेमवर्क की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन सी पार्टीज होनी चाहिए, अगर एजेंट अपॉइंटेड है तो एजेंट का पूरा डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए, इसके अलावा टर्म्स ऑफ पेमेंट कितनी है, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कितने साइज में अलॉट किया गया है या फिर कितने पीरियड के बेसिस पे अलॉट किया गया है वहाँ पे, और इसके अलावा जो मैच्योर्ड अमाउंट है उसमें कितना इंटरेस्ट रेट करंट सिनेरियो के हिसाब से इन्फ्लेशन को देखते हुए कितना ऐड करना है। सो ये सारा का सारा जितना फ्रेमवर्क होगा, जितना भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया होगा, वो एक इंश्योरेंस कंपनी का जो भी होगा वो एक एक्चुअरी ही डिसाइड करता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिटरमाइंस द इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस ऑफ ईच टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफर्ड। जितने भी प्रीमियम रेट्स होंगे, ठीक,
अगर अलग अलग प्रीमियम रेट्स हैं अलग अलग पॉलिसी के, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अलग रेट हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का अलग रेट हो सकता है, एंडोमेंट पॉलिसी का अलग रेट हो सकता है। सो सारे के सारे जो भी रेट्स होंगे वो डिसाइड करेगा एक्चुरी, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज किस तरह की पॉलिसी कौन से कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, ये भी डिसाइड एक्चुरी ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाइल्स डेटा रिलेटिंग टू द रेट्स ऑफ मॉर्टैलिटी, सिकनेस, इंजरी, रिटायरमेंट एंड प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम एक्सीडेंट, थेफ्ट और फायर और एनी अदर हैजार्ड। जितना भी डेटा है किसी भी एक लोकेशन का या किसी भी एक जोन का या एरिया का जहाँ पे मॉर्टैलिटी रेट की बात की गई हो, ठीक है, इसके अलावा सिकनेस की बात की गई हो, अगर मेडिकल कैजुअलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं किसी रीज़न की वजह से, सो उसका पूरा डेटा भी कंपाइल करने का काम एक एक्चुरी का ही होता है उस केस में। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ लॉस हो रहा है बाय द मीन्स ऑफ एक्सीडेंट या लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, तो सारा का सारा डेटा होगा प्रीवियस ईयर का जो भी वहाँ पे होगा वो सब कंपाइल करने की जिम्मेदारी एक एक्चुअरी की ही होती है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दस कलेक्टेड ही और शी एनालाइजेज द इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम कॉरपोरेशन और कंपनी, ठीक है। अब उसके पास प्रीवियस ईयर्स का डेटा है तो उसी के बेसिस पे वो एक अपना एजम्पशन लगाएगा आने वाले सालों के लिए, वहाँ पे कितना उसके पास एक इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करना पड़ सकता है रिलेटिंग टू सच एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या फिर किसी भी तरह का अगर मेडिकल कैजुअलिटीज़ है, मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है किसी पर्सन ने, या मॉर्टेलिटी रेट किसी भी कंट्री किसी भी एरिया के ज़्यादा है तो उस केस में कितना वहाँ पे देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स किसी भी एरिया की ज़्यादा ही होंगी, उस तरीके से लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें। सो इसके लिए जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो एक एक्चुअरी ही डिफाइन करेगा। लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो इवॉल्व्स अ न्यू टाइप ऑफ अट्रैक्टिव पॉलिसीज इंश्योरिंग ग्रेटर बिजनेस। इसके अलावा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा एक एक्चुअरी, एनालाइज करेगा मार्केट को कि कौन कौन से और किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज़ को और मॉडिफाई करके या फिर न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इन दैट केस। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द जॉब, किसी भी एक्चुअरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और किस तरह से उसका नेचर ऑफ जॉब होता है, ऑल दिस पॉइंट्स रिफर टू दैट ओनली। नेक्स्ट इज एक्चुअरी अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। एक एक्चुअरी को अपॉइंट करने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या ज़रूरी है उस केस में। सो IRDA, मैंने पहले बताया था IRDA क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है दैट इज़ सिचुएटेड इन हैदराबाद, इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, और जो इसके आपके जो आपके बेसिक चेयरमैन थे दैट वाज सुभाष चंद्र खूंटिया, मैंने बताया था पहले भी, SC खूंटिया उनका नाम है। सो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका इट इज़ इन हैदराबाद, और IRDA ही एक तरीके से मेन रोल प्ले करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्चुअरी। सो लेट्स सी, IRDA रेगुलेशंस 2000 प्रिस्क्राइब दैट एन इंश्योरर रजिस्टर्ड टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया शैल अपॉइंट एन एक्चुअरी हु शैल बी द अपॉइंटेड एक्चुअरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन है और डेफिनेशन लॉ के टर्म्स में दे रखी है, इसी तरह से घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बट मेनली यहाँ पे मतलब यही है कि टू कैरी द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, ठीक। इंश्योरेंस बिजनेस को अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए एक इंश्योरेंस एक्चुअरी की रिक्वायरमेंट होती है, और IRDA रेगुलेशंस जो है अंडर 2000 एक्ट वहाँ पे इसको डिफाइन कर रखा गया है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अपने लिए या फिर चाहे वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने के लिए एक एक्चुअरी को अपॉइंट कर सकते हैं वहाँ पे। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्चुअरी फ्रॉम द इंश्योरर इफ ही और शी शैल बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इंडिया का सिटीजन है देन एक्चुअरी मे बी अपॉइंटेड। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, अ फेलो मेंबर ऑफ द एक्चुअरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक एक्चुअरीज का ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक। उस केस में क्या है कि ही शुड बी द मेंबर ऑफ सच सोसाइटी, ASI बोलते हैं इसको,
इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ठीक है, एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, सो ASI इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है। और इसके अलावा एन एम्प्लॉई ऑफ द लाइफ इंश्योरर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक। और इसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर किसी भी लाइफ इंश्योरर का एम्प्लॉय होना चाहिए वो। अगर एक पर्सन भी एक एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहा है तो वो भी अपनी तरफ से एक एक्चुअरी को अपॉइंट कर सकता है, और इंश्योरेंस कंपनी तो कर ही सकती है एक एक्चुअरी को अपॉइंट अपनी तरफ से। सो मूविंग ऑन, जस्ट अ सेकंड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी। एन एम्प्लॉय ऑफ द इंश्योरर और अ कंसल्टेंसी एक्चुअरी इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। अगर आपका इंश्योरेंस बिजनेस जनरल कैटेगरी में आता है, विच मीन्स कि जनरल कैटेगरी का मतलब ये है कि इट डिफाइंस द अदर पॉलिसीज एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितनी भी अलग पॉलिसीज होती हैं, मोटर इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ये सब पार्ट होता है जनरल इंश्योरेंस का, ठीक। सो अगर कोई भी ऐसी बिजनेस है या कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि एक जनरल इंश्योरेंस में डील करती है, सो द एम्प्लॉई ऑफ द इंश्योरर और अ कंसल्टेंसी एक्चुअरी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी कंसल्टेंसी एक्चुअरी अगर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में डील कर रही है, सो इन दैट केस ही शुड बी द एम्प्लॉई ऑफ दैट कंसल्टेंसी इटसेल्फ। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कमिटेड एनी ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक है। इसके पहले जितना उसने काम किया हो किसी भी कंसल्टेंसी में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे उसने कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना किया हो। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी का ट्रस्ट जो है अगर आप तोड़ देते हैं इन अ लॉफुल टर्म्स, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट इज अ पर्सन अगेंस्ट हुम नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन बाय द एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया और एनी अदर एक्चुअल प्रोफेशनल बॉडी इज पेंडिंग, ठीक। इसके अलावा ये कि जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है एज एन एक्चुअरी, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पहले ना रहा हो, ना ही ऐसा कोई भी केस हो जो कि अभी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग हो। नॉट एन अपॉइंटेड एक्चुअरी ऑफ एन अदर इंश्योरेंस, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे एक एक्चुअरी एक ही इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकता है, इसके अलावा वो अलग अलग दो कंपनीज में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अ पर्सन हु पॉसेसेस अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय द एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो जो कि ASI ने इशू किया हो, ही और शी शुड बी अपॉइंटेड एज एन एक्चुअरी ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट ओवर द एज ऑफ 70 ईयर्स। 70 ईयर्स के ऊपर की उसकी एज नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द बेसिक कंडीशंस, और इसके पहले भी जो कंडीशंस थी दैट विल बी डिफाइंड एज एन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्चुअरी। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ एक्चुअरी, जो बेसिक सर्विसेज क्या क्या हैं एक्चुअरी की, लेट्स सी। फर्स्ट इज डिजाइन एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सेट इट्स प्राइस। किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करना और उसका प्राइस जो है तय करने का काम एक एक्चुअरी का होता है। सेकेंड, सिलेक्ट द राइट पीपल फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। राइट पीपल का मतलब यहाँ पे है आपके एजेंट्स से, यू आर रिफरिंग टू द एजेंट्स, ठीक। कस्टमर से मतलब नहीं है यहाँ पे हमको मतलब है कि जो पार्टीज को हम इन्वॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे, यानी एजेंट्स जिनके थ्रू हम पॉलिसी बिकवाएंगे, वो कैसे वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। दे शुड नॉट बी फ्रॉडलेंट या फिर डिसऑनेस्ट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द लॉसेस फॉर द कंपनी बाय रीइंश्योरिंग द कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसीज विद अनदर इंश्योरर कॉल्ड द रीइंश्योरर्स। रीइंश्योरर कॉन्सेप्ट मैंने पहले कराया था। क्या होता है यहाँ पे कि एक पॉलिसी के लैप्स होने के बचने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है और कस्टमर ने कोई पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी से परचेस की है, और अगर उस इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में वो कस्टमर को पे नहीं कर पाएगा, डिफॉल्ट पेमेंट हो सकता है, सो वही पॉलिसी को वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा लेगी। कौन कराएगा? द सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी। जो सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी होगी वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी से उस पॉलिसी को इंश्योर करा लेगी टू
प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट टू द कस्टमर, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। ठीक, सो मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे लॉसेस, कोई भी अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो चाहे तो उस पॉलिसी को री इंश्योर करा के अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकती है। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी, एक्चुअली का सर्विस ये भी होता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स को एनहेंस करने के लिए वहाँ पे काम करे, उसको इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे काम करे। प्रोटेक्ट द कस्टमर्स अमाउंट केप्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास अमाउंट आया है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम किसी भी एक पॉलिसी होल्डर का, सो उसको बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो भी होता है वो एक एक्चुअली का ही होता है। प्रिपेयर ऑन अ गिवन डेट अ समरी ऑफ द कंपनीज लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे कलेक्ट करने का काम एक एक्चुअरी का होता है। इसके अलावा जो भी डेट समरी है, डेट समरी का मतलब क्या है कि किस किस डेट्स पे प्रीमियम का आना हुआ है एक पॉलिसी को लेके और उसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा, ये सारा का सारा जो भी रिकॉर्ड होता है एक एक्चुअरी को रखना पड़ता है, एक एक्चुअरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द रिजर्व्स, जितना भी रिजर्व आया है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसी होल्डर्स उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि वहाँ से प्रॉफिटेबल हमको रिटर्न मिल सके। एंड लास्ट इज टू सर्टिफाई द सॉल्वेंसी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की सॉल्वेंसी को सर्टिफाई करना, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एबल टू पे द लोन दैट यू हैव टेकन, ठीक है। सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी अपने कस्टमर्स को बेची है और जो प्रीमियम उन्होंने पे किया है आप उसको मैच्योर्ड अमाउंट के फॉर्म में पे करने के लिए कितने ज़्यादा सक्षम है, कितने ज़्यादा वहाँ पे आप कैपेबल हैं उसको पे करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक सर्विसेज ऑफ द एक्चुरी एंड एक्चुरी का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू कवर अप मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टिल देन थैंक यू।